Good morning. Good morning. Okay. Coffee. Thank you. क्या प्रॉब्लम क्या है तेरा? बीच में क्यों खड़ा है? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। जाओ जाकर चाय लेकर आओ मेरे लिए। Good morning, sir. Good morning to you. Sit. हाँ बोलो सुधा। क्या बोलूँ, ऑफिस पहुँच गए और कॉल भी नहीं किया। अरे सुधा जान, मैं कॉल करने ही वाला था, जस्ट ऑफिस पहुँचा हूँ और अब भी कैबिन में मैंने बैठ रखा हूँ। आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है? और ये यश की रिपोर्ट कार्ड पर भी साइन नहीं किया, और हाँ वो और ना ही वो आप ड्राई क्लीनर्स को कपड़े देने के लिए लेकर गए। कल दे दूंगा। तो कौन सी जल्दी और कौन सा काम नहीं किया है तुम्हारा उसने? चल मैं अभी जरा बिजी हूँ, बाद में कॉल कर जाना। बाद में कॉल करता हूँ का क्या मतलब है? क्या मैं फ्री बैठी हूँ? घर के काम नहीं होते? तुम्हें तो लगता है मैं फ्री बैठी हूँ। ठीक है रखो। Yes. सर वो महेश की कंपनी से अब तक पेमेंट नहीं आया। अरे उसकी कंपनी का पेमेंट एक महीने से पेंडिंग है। तुम साले लोग से एक काम ढंग का नहीं होता है, और मुझे क्यों बता रहे हो? सिर्फ सैलरी लेना आता है महीने में बस। कल तक उसकी पेमेंट नहीं आई तो यू विल बी आउट ऑफ द ऑफिस, यू विल बी फायर्ड, यूजलेस फेलो। I was thinking, वो पेमेंट आज ही करें हम कि as you wish. So...
सर आई वाज थिंकिंग ये साहिल को हम फायर कर ले। क्या बात है, तुम आई नहीं सुबह? याद भी आज कौन सा दिन है? लगता मन भर गया है मुझसे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, याद है मुझे, थोड़ा लेट हो गया था। शाम को मिलते हैं ना। इससे इम्पोर्टेंट क्या काम है? अच्छा तो बताओ आज क्या है? आज हमारी एनिवर्सरी है। देखो भूल गए, जब देने का टाइम आता है तो सब भूल जाते हो, लेकिन लेना नहीं भूलते। अरे नहीं डालिंग ऐसी बात नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था और मैं शाम को मिलता हूँ, मुझे दिन भी याद है और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, ना तुम्हें याद था और ना ही तुम कोई गिफ्ट लायो। मैंने याद दिलाया तुम्हें, झूठ भी ठीक से नहीं बोल सकते। तुम साफ साफ भूल गए, इसलिए मुझे सुबह विश भी नहीं। सुधा जी जैसे क्यों बात कर रहे हो, बात को क्यों बढ़ा रहे हो? शाम को जरूर मिलता हूँ 100%। अच्छा तो मैं बात को बढ़ा रही हूँ, तो ठीक है शाम को आने की कोई जरूरत नहीं। सुनो जब लेनी होती है तो आ जाते हो, अब देख लो। अरे सुनो प्लीज 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 सीडी फोन मत करो, प्लीज डार्लिंग सुनो मेरी बात तो सुनो। सर ये फाइनल कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दीजिए। तुमने चेक किया बराबर? यस सर। इतनी सारी गलतियां हैं और आप बोल रहे चेक कर लिए। जस्ट गेट इट करेक्टेड एंड ब्रिंग। ये सब क्या चल रहा है? अब क्या हुआ सुधा? आप अपना लंच बैग भूल गए? कहीं किसी के साथ बाहर खाना खाने तो नहीं लग गए हो? नहीं नहीं डार्लिंग जी, ना मैं भूल गया, अभी क्या करूं मैं, काम इतना रहता है ना। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आपका ध्यान आजकल कहाँ रहता है? इतनी मेहनत से सुबह उठकर खाना बनाओ और आप होके टिफिन भूल जाते हो। मेरे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो बस आपकी नौकर हूँ, बीवी थोड़ी। मैं तो बस आपकी नौकर बन गई हूँ, पूरा दिन काम करते रहो, खाना बनाते रहो, सब कुछ मैं ही देखूँ। मैं सुबह खाना बनाऊँ और आप टिफिन छोड़ के चले जाओ। आपको तो मेरी कुछ चीजों का याद रहता ही नहीं है। और कान खोल के सुन लो मेरी बात, आज स्कूल में यश को लेने आप ही जाएंगे, समझे आप? बस फोन ही करते रहो और एक दिन ना मुझे भी भूल जाना। ठीक है रखो। मोबाइल से देखने में क्या मजा?
सुमित, कहाँ रह गए आप? आज मीनू मासी के बेटे की शादी है, भूल गए? हम लेट हो गए हैं, कब आ रहे हो? सुमित, आप सुन रहे हो? कब आओगे, कब तैयार होगे, कब कपड़े पहनोगे? हमेशा का हो गया है तुम्हारा सुमित, है ना? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ सुमित, कहाँ हो? अरे कहाँ हो आप, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मतलब कि कभी टाइम पे नहीं आओगे? 10 बज रहे रात के, 10 बज रहे, अब कब पहुँचेंगे हम उसकी शादी में? एक तो तुम्हें तैयार होने में भी इतना टाइम लगता है, फिर सोचोगे कि क्या पहनूं मैं, कितना टाइम लगाओगे? और कहाँ हो तुम, मैं कब से बात कर रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हो, कुछ बोलोगे? अब घाई घाई में आओगे, कुछ भी पहन के चले जाओगे, मेरी इज्जत की कोई कदर है कि नहीं तुम्हें? अब जवाब दोगे मुझे? तुम मेरी इज्जत का जना जब लाइफ झंड हो ना, सपना देखना भी पाप है।